नमस्ते, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ के इंग्लिश पोएट्री की तरफ चलते हैं। पहला पोएम है द फाउंटेन, जिसे लिखा गया जेम्स रसेल लॉयल के द्वारा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, ही ऑलवेज इमेजिन नेचर एज ए वेरी ग्रेट थिंग्स। अब हम सीधा चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर पे आते हैं द फाउंटेन के बारे में। उन्होंने मानव जीवन को जोड़ते हुए द फाउंटेन को अपने अंदाज में लिखा और फाउंटेन को लिखते हुए उन्होंने एक संदेश दिया है कि वास्तव में मनुष्य को कैसा होना चाहिए। पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो फाउंटेन को सीधा कंपेयर किया गया है इन टू द सनशाइन फूल ऑफ द लाइफ लिपिंग एंड फ्रेशिंग फ्रॉम मार्टिन लाइफ इन टू द सनशाइन। कौन? इन टू द सनशाइन फाउंटेन। फाउंटेन जो है सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में फूल ऑफ द लाइट, रोशनी से भर जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मार्टिन लाइट, लीपिंग में उछलता कूदता रहता है एंड फ्लैशिंग में चमकता रहता है। फ्रॉम मार्टिन लाइट इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मार्टिन लाइट। कि कभी कह रहा है कि जो फव्वारा है, द फाउंटेन है, वो जब सुबह होती है, जब सूर्य की रोशनी उस फव्वारे पर पड़ती है, तो वो फुल ऑफ द लाइट, वो एनर्जी से भर जाता है, लाइट से भर जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। उसके बाद जब वो ऊर्जा से भर जाता है और सूर्य की रोशनी उससे पड़ती है, तो वो लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स उछलता कूदता रहता है एंड फ्लैशिंग इट शाइन्स, मतलब वो चमकता रहता है। फ्रॉम माउंटेन लाइट, सुबह से लेकर रात तक। द पोएट इज सेइंग दैट इन मॉर्निंग टाइम इन टू द सनशाइन द फाउंटेन फिल विथ लाइट, फिल विथ एनर्जी एंड इट्स लुक दैट इट ऑलवेज लीप एंड फ्लैश फ्रॉम माउंटेन लाइट इन द लाइट ऑफ सन। सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। उन्होंने बारी बारी से कई चरणों में कंपेरिजन किया है। पहले उन्होंने सन के साथ बताया है कि वो उस स्टेट में कैसा रहता है और मून के साथ किस उस स्टेट में कैसा रहता है, स्टार के साथ, मतलब कि जो 24 घंटे में सूर्य, चंद्रमा और तारों के लाइट में फव्वारा कैसा दिखता है। तो सन के लाइट में उन्होंने बताया कि फुल ऑफ लाइट वो एनर्जी से फुल रहता है, मतलब पूरी तरह से ऐसा दिखता है कि वो जब सुबह जैसे ही सन की शाइन धरती पे आती है, फाउंटेन के अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट, और इतना ही नहीं, बस सुबह के टाइम में ही वो ऊर्जा नहीं दिखती है, जो ऊर्जा सुबह के टाइम में उसके अंदर सूर्य की चमक के साथ दिखाई देती है, वो दिन रात चलती रहती है। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। इन टू द मून लाइट द पोएट इज सेइंग दैट इन टू द मून लाइट इट लुक लाइक वाइटर देन स्नो, कि मतलब वो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। ही इज कंपेरिजिंग द फाउंटेन विद स्नो आर आइस। ही इज सेइंग दैट इट्स लुक वाइटर देन स्नो, मतलब कि वो मून की लाइट में जब मून का प्रकाश फव्वारे पड़ता है, तो वो जो है कि बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, और इतना ही नहीं, सिर्फ उछलना कूदना ही नहीं, ठीक है ना, सिर्फ ऊर्जा ही नहीं उसके में है, और वो सिर्फ सफ़ेद ही नहीं दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, मतलब वो जब हवा बहती है, चंद्रमा के प्रकाश में जब हवा बहती है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वो क्या नाम, फूलों की तरह हिलते डुलते रहते हैं। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो वो फूलों की तरह हिलते डुलते रहते हैं। जब हम दोनों लाइन को एक साथ लेकर आएंगे तो कहेंगे कि द पोएट इज सेइंग दैट द फाउंटेन इन द सनशाइन द फाउंटेन फिल इज फिल द फाउंटेन ऑलवेज फिल विथ एनर्जी लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट एंड होल डे एंड होल नाइट इट ऑलवेज लीप एंड फ्लैश एंड इन टू द मून लाइट इट्स लुक वाइटर देन स्नो वाइटर देन आइस एंड व्हेन द विंड ब्लो इट ऑलवेज वेव लाइक फ्लावर इट लुक्स लाइक दैट इट इज वेविंग लाइक अ फ्लावर इन टू द स्टार लाइट हैज कंपेयर्ड इन सन इन मून एंड आफ्टर दैट द पोएट इज सेइंग दैट द फाउंटेन हाउ फाउंटेन लुक इन स्टार लाइट तो ही इज सेइंग दैट इन टू द स्टार लाइट तारों की प्रकाश में इन टू द स्टार लाइट तारों की प्रकाश में रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाई डे ही इज सेइंग दैट इन टू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे जो है कि तारों की प्रकाश में उसकी गति और तेज हो जाती है
इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, तारों की प्रकाश है उसकी गति और तेज हो जाती है। हैप्पी एट मिडनाइट एंड हैप्पी बाय डे एंड ही सेइंग दैट हाउ इट लुक्स आफ्टर दैट व्हेन ही हैड सेड दैट हाउ इट लुक इन स्टार लाइट ही हैड सेड दैट हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे ही सेइंग दैट हैप्पी एट मिडनाइट वो आधी रात को भी खुश रहता है, हैप्पी बाय डे और वो दिन में दोपहर में भी खुश दिखता है, रात में भी खुश दिखता है। सेइंग दैट Always in 24 hours of a day, it seemed that it always in happy blissom archery. After that, he comes. He is saying that it is always ever in motion. The poet is saying that ever in motion, blissom and cherry still climbing heavenward, never weary. He is saying that कि जो फवारा है ever in motion हमेशा वो गतिमान रहता है। फवारा जो है कभी रुकता नहीं है, हमेशा वो गतिमान रहता है। ही सेइंग दैट द फाउंटेन नेवर स्टॉप एंड ही नेवर टेक रेस्ट एवर इन मोशन। ही सेइंग दैट एवर इन मोशन इट मींस दैट इट नेवर स्टॉप आर इट नेवर टेक रेस्ट एवर इन मोशन वो हमेशा गतिमान रहता है। एंड वंस मोर ही सेइंग दैट हाउ एंड व्हाट इट लुक ब्लिसम एंड चेरी एवर इन मोशन वो हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिसम एंड चेरी हमेशा खुश प्रफुल्लित आनंदमय दिखता है। ब्लिसम एंड चेरी हमेशा वो सदैव प्रसन्न दिखता है, खुश दिखता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड नेवर अ वेरी ही शोइंग ए ग्रेट क्वालिटी ऑफ फाउंटेन after these two line he is showing a great quality of fountain he is saying that still climbing heavenward never weary वो कह रहे हैं कि वो चलता रहता है, खुश दिखता है, कभी आराम भी नहीं करता है, हमेशा जो है वो दौड़ता रहता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है, चमकता रहता है, हवा की तरह हवा जब बहती है फूलों की तरह हिलता डुलता रहता है और तेज चलता रहता है। लेकिन स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड वो हमेशा देखिए हेवनवार्ड मतलब होता है स्वर्ग की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड मतलब कि हमेशा वो ऊपर की तरफ चलता रहता है, नेवर अ वियरी और कभी वो थकता नहीं है। मतलब द पोएट इज सेइंग दैट ही लुक्स ऑलवेज इन मोशन, ही लुक्स ऑलवेज हैप्पी एंड ही ऑलवेज ट्राई टू गो अप अप एंड अप अप एंड अप मतलब कि वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, ऊपर की तरफ चलता जाता है, नेवर अ वियरी एंड कि वो कभी थकता नहीं है, ही नेवर टायर्ड ठीक है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग रेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाइड Glad of all weather. After that, in fifth stanza, the poet is saying that in all weather it look very happy. मतलब कि glad of all weather सभी मौसमों में वो खुश दिखता है, सभी मौसमों में वो हमेशा प्रसन्न दिखता है, चाहे वो कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, in all the season it look always very happy. Still seeming best. अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थायरेस्ट मतलब कि वो सभी मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट और हमेशा सबसे अच्छा दिखता है, मतलब सभी मौसमों में और अच्छा दिखता है, मतलब सभी मौसमों में पहले की अपेक्षा और अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थायरेस्ट वो एक बार और कह रहे हैं कि जब फव्वारा जो है कि ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है, वही ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में उसका मोशन इज थायरेस्ट जो ऊपर से नीचे आता है। व्हेन ही कम्स अप फ्रॉम अप टू डाउन एंड डाउन टू अप इन दैट मोशन उस गति में ही उसकी रेस्ट है, मतलब कि जब वो ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आता है, रुकता नहीं है, उसी में ऊपर से नीचे करने में ही वो रेस्ट कर लेता है। आफ्टर दैट इन सिक्स्थ स्टैंजा इज सेइंग दैट फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। इन सिक्स्थ स्टैंजा द पोएट इज सेड दैट फुल ऑफ नेचर वो जो प्रकृति से भरा है, मतलब द फाउंटेन हैज अ वेरी नेचुरल एनर्जी कि उसके अंदर एक प्राकृतिक शक्ति है, नथिंग कैन टैम उसे कोई पालतू नहीं बना सकता, टैम मीन्स होता है पालतू बनाना, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टैम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम फुल ऑफ द पोएट इज सेइंग दैट द फाउंटेन इज फुल ऑफ नेचर मीन्स दैट ही हैज अ नेचुरल पावर, ही हैज अ नेचुरल एनर्जी, द फाउंटेन हैज अ नेचुरल एनर्जी, नो वन कैन टेम हर कोई भी उसे पालतू नहीं बना सकता है, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम ही सेइंग दैट द फाउंटेन चेंज हिज मोशन एवरी मोमेंट
कि वो प्रत्येक क्षण अपनी गति को बदलता रहता है, प्रत्येक समय अपनी गति को बदलता रहता है, ऊपर नीचे, मतलब वो प्रत्येक समय अपनी गति को बदलता रहता है, एवर द सेम, फिर भी जो है वो एक समान दिखता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सम साइन थाई एलिमेंट। वो कहते हैं कि सीजलेस एस्पायरिंग मतलब वो निरंतर ऊपर की तरफ चलता जाता है। सीजलेस भी निरंतर होता है, एस्पायरिंग होता है ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। द फाउंटेन जो है उसका एक सातवीं स्टेंजा में एक और क्वालिटी बताते हैं कि वो निरंतर हमेशा जो है कि ऊपर की तरफ चढ़ने का प्रयास करता है, सीजलेस फाउंटेन। और जो वो ऊपर की तरफ चढ़ने का प्रयास करता है, वो जितना ऊपर जाता है उतने में ही वो निरंतर संतुष्ट रहता है, निरंतर वो सेटिस्फाइड रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन थाई एलिमेंट, और चाहे अंधकार हो, चाहे वो सूर्य की प्रकाश हो, चाहे वो अंधकार में हो, चाहे वो सूर्य की प्रकाश में हो, वो निरंतर ऊपर नीचे होता रहता है और वो अपने गति से सेटिस्फाइड रहता है, वही उसका थाई एलिमेंट, वही उसका गुण है, ठीक है ना। इस एंड है, वही उसकी क्वालिटी है कि वो ऊपर जाता रहता है और ऊपर जाता रहता है, नीचे भी आता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, मगर वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है और एक समान दिखता है। लास्ट की स्टेंजा में आएंगे हम, देखेंगे पोएट जो है कि अब सीधा सबको समेटे, सातवें स्टेंजा को समेट के एट्थ स्टेंजा में आते हैं और कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन ए शानदार फुहारे, इट्स सेइंग दैट ग्लोरियस फाउंटेन ए शानदार फुहारे, लेट माय हार्ट बी, मेरा भी हृदय। अब जो है कि कभी जो है या तो अपने आप कहे या कभी जो है पूरे मानव वर्ग को कहे, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइफ थी, मतलब कि ए शानदार फुहारे लेट माय हार्ट बी, मेरा भी हृदय कैसा हो जाए, तुम्हारी तरह फ्रेश, हमेशा ताज़ा दिखता रहे, मतलब कि हमेशा तरोताज़ा रहे, हमेशा ताजगी से भरा रहे, ठीक। चेंज फूल सदैव बदलने वाला, ठीक, सदैव बदलने वाला, लेकिन सदैव बदल के भी एवर द सेम, हमेशा वो सेम दिखता है। द पोएट इज सेइंग दैट कि लेट माय हार्ट बी फ्रेश, हमारा हृदय ताज़ा हो जाए, चेंजफुल हो जाए, हमेशा जो बदलने वाला हो जाए, कॉन्स्टेंट मीन्स सेटिस्फाइड, कि हर काम में सेटिस्फाइड हो। इस सेइंग दैट कि लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट, कि तरोताज़ा हो, बदलता रहे और हमेशा जो है कि हम सेटिस्फाइड रहे, अपवर्ड लाइक थी।